दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं ओमान के रिलेटेड कुछ नए अपडेट के बारे में। सो फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पता लग जाए कि क्या अपडेट नया आया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम विदेश के रिलेटेड हर नई नई अपडेट अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित कई देशों की यात्रा की अनुमति मिल चुकी है ओमान जाने के लिए। यह बात ध्यान में रखें, यात्रा के लिए पूर्ण रूप से टीकाकृत होना जरूरी है। यात्रियों को ओमान में मान्यता प्राप्त वैक्सीन का दोनों डोज लेना अनिवार्य है। और दोस्तों बता दें आपको, फ्लाइट उड़ने से यानी प्रस्थान के 14 दिन पहले आपको सेकेंड डोज यानी फाइनल डोज लेना जरूरी है। ओमान में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों को ध्यान में रखना है ये बात, QR कोड वाला COVID-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट साथ में रखना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आप अपने साथ जरूर ले जाएं अगर आप ओमान जाते हैं तो। और मैं बता दूं आपको, आपको फ्लाइट उड़ने से 14 दिन पहले वैक्सीन आपका सेकेंड डोज लिया होना चाहिए। अगर आप उससे पहले लेते हैं, अगर मान लीजिए आपका फ्लाइट आज है, अगर आप 10 दिन पहले लिए हैं कोरोना का सेकेंड डोज यानी फाइनल डोज, तो आपका फ्लाइट नहीं होगा। आपको कम से कम 14 दिन पहले लिया होना चाहिए। 14 दिन पहले आप अपना COVID-19 का दूसरा डोज यानी लास्ट डोज फाइनल डोज आप लिए होंगे तभी आपका फ्लाइट होगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है फ्लाइट होने में। और दोस्तों अगर आप COVID-19 PCR टेस्ट कराते हैं, नेगेटिव टेस्ट अगर रिपोर्ट आपका आता है तो आपको क्वारंटाइन में भी छूट मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ और मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करने वाला हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसी तरह कोई नया अपडेट फिर से कोई आएगा ओमान के रिलेटेड तो फिर से अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताएँगे।